नमस्ते, मैं हूं मानव। आप देख रहे हैं जनता शो। सचिन पायलट, ये नाम भारतीय राजनीति में कोई नया नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इस नाम को काफ़ी अदब के साथ लिया जाता है। पापा राजेश पायलट कांग्रेस पार्टी के खासम खास सिपाही थे, इसलिए राजनीति तो मानो सचिन को विरासत में मिली थी। इसी विरासत को सचिन ने सहेज कर भी रखा और कांग्रेस पार्टी में अपने पापा की तरह उनके नाम का भी सिक्का चल निकला। तारीख थी 7 सितंबर और साल था 1997। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेसी नेता राजेश पायलट के यहाँ किलकानियाँ गूंजी। सबने मिलजुल कर इस नन्हे से बच्चे का नाम रखा सचिन। परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, इसलिए काफ़ी लाड़ प्यार से सचिन को पाला पोसा गया। पापा राजेश जब बेटे को उछाल कर खिलाते तो कहीं ना कहीं उनके जेहन में भी इस बात की खुशी दौड़ती होगी कि शायद उनके द्वारा तैयार की गई राजनीतिक ज़मीन को संभालने वाला उत्तराधिकारी आ चुका है। घड़ी की सुइयां घूमती गई। नन्हा सचिन अब स्कूल जाने लगा था। नई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में उनका दाखिला कराया गया। पापा राजेश जहां बेटे को राजनीति में लाना चाहते थे, वहीं सचिन के सिर तो पायलट बनने का जुनून सवार था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने गाज़ियाबाद के आईएमटी कॉलेज से मार्केटिंग में डिप्लोमा लिया और आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की। जब वो लंदन गए तो कुछ समय तक सब कुछ सही चला, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात नीली सी आँख वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई। सचिन यूं तो सीधे साधे पढ़ाकू टाइप के इंसान थे, लेकिन ना जाने कैसे उस लड़की पर पहली ही नज़र में वो लट्टू हो गए। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। लड़की कश्मीर की थी, नाम था सारा अब्दुल्ला। सारा कश्मीर की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन थी। सचिन जानते थे कि मिलन लगभग असंभव है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मत करने वाले को जहान मिलता है। सचिन को भी मिला। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने लगे। बातचीत बढ़ती गई तो अफसाने लिखे गए और बाद में यही अफसाने प्यार में तब्दील हो गए। दोनों इस बात को बखूबी जानते थे कि धर्म की दीवार बीच में खड़ी होने के चलते उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और कभी साथ ना छोड़ने का प्यारा सा वादा भी कर लिया। अक्सर आशिकों में ये चीज़ बड़ी कॉमन सी होती है कि लव स्टोरी शुरू होने के कुछ शुरुआती दिनों में ही वो ऐसे बड़े बड़े वादे कर लेते हैं जिन्हें पूरा करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन सचिन और सारा की स्टोरी में कुछ अलग हटके था। इस जोड़ी ने जो वादा किया, समय आने पर उसको पूरा भी किया। पढ़ाई पूरी हुई तो सचिन ने वापस भारत आने का फैसला किया और वो मुल्क में वापस लौट आए। कभी हर पल साथ घूमने वाले प्रेमी जोड़े के बीच अब सात समंदर पार की दूरी थी। अक्सर लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलनी काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन इस लव स्टोरी ने ऐसी बातों को ही झुठला कर रख दिया था। दोनों के बीच डिस्टेंस भले हजारों किलोमीटर का रहा हो, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी का दी एंड फिर भी नहीं हुआ। दोनों जब भी फ्री होते तो ईमेल के जरिए एक दूसरे के करीब आने की कोशिशें करते। समय फिर से घूमा। दोनों के रिलेशनशिप को 3 साल का वक्त बीत चुका था, इसलिए दोनों ने अब दूरियों को ख़त्म करने का फैसला किया और इस रिश्ते के बारे में अपने घर बता दिया। लेकिन जिस बात का डर था, बीच में वही बात आ खड़ी हुई। धर्म की दीवार के चलते ना राजेश पायलट माने और ना ही सारा के पापा फारूक अब्दुल्ला। फारूक ने तो ये सुनने के बाद अपनी बेटी से बात तक करना बंद कर दिया। सब रास्ते बंद हो चले थे, लेकिन सारा और सचिन ने हिम्मत अभी भी नहीं हारी थी। सब रास्ते बंद हो चले थे, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी थी। तारीख थी 15 जनवरी और साल था 2004। ये वो दिन रहा जब दोनों ने एक दूसरे के साथ
शादी कर ली थी। ये शादी ऐसी रही जिसमें अब्दुल्ला परिवार का कोई भी मेंबर शामिल नहीं हुआ, पर दोनों के प्यार ने दोनों परिवारों को जल्द ही ये एहसास करा दिया कि सचिन और सारा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जो परिवार शायद ही कभी एक हो पाते, सच्ची मोहब्बत ने उन्हें भी करीब लाकर खड़ा कर दिया था। दोनों परिवार एक दूसरे के यहाँ जाने आने लगे, शादी हुई, परिवार मिले, लेकिन सचिन की जिंदगी में एक तूफान आ गया। ऐसा तूफान जिसने नौकरी करने की इच्छा रखने वाले सचिन को राजनीति की तरफ ढकेल दिया। असल में सचिन के पापा राजेश पायलट एक हादसे का शिकार होकर दुनिया को अलविदा कह गए। अचानक हुए इस हादसे ने सचिन को बिल्कुल अकेला सा कर दिया था। अपने सिपहसालार राजेश को खोने के कुछ समय बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट को भी राजनीति में आने का ऑफर दिया। सचिन राजनीति में आने की इच्छा ना रखने के बावजूद भी उस ऑफर को ना जाने क्यों ठुकरा नहीं सके और महज 26 साल की उम्र में राजस्थान के दौसा से बड़ी जीत अपने नाम दर्ज कर ली। एक बार जब सचिन राजनीति में घुसे तो बस कभी रुके नहीं और हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे रहे। उनकी मेहनत का ही रिजल्ट था कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी का किला ढाने में सफल रही। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से अशोक गहलोत को राज्य का मुख्यमंत्री और अथक मेहनत करने वाले सचिन पायलट को राज्य का डिप्टी सीएम बना दिया गया। राजेश पायलट ने जो सपना सचिन को लेकर देखा था वो पूरा हो गया था। आज सचिन के दो बच्चे हैं। सचिन और सारा का बरसों पुराना प्यार आज भी बदस्तूर जारी है। जनता शो उम्मीद करता है कि दोनों ऐसे ही खुशहाल जिंदगी बिताते रहें। बाकी आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे द मोंटू और मेरा नाम है मानव। वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।